हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की रेसिपी में हम लोग सूजी से बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ता बनाएंगे। आप इसे सुबह का ब्रेकफास्ट हो या शाम का, आप इसे बना के खा सकते हैं। अब हम लोग इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बाउल सूजी लिया था। यह रेसिपी घर में रखी सामान से झटपट तैयार हो जाती है। हमें बारीक वाली ही सूजी चाहिए। बारीक वाले सूजी से ही हमारी रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मिक्सर में ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। जिस कटोरी से हम लोग सूजी लिए थे उसी कटोरी से एक कटोरी दही डालेंगे। आप ये नाश्ता बनाइएगा तो सूजी और दही बराबर मात्रा में लीजिएगा, तभी हम लोग की रेसिपी एकदम सॉफ्ट बनेगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही और सूजी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें सिर्फ दही के साथ 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है अच्छे से फूल जाए। ध्यान रहे, इसमें हमें पानी नहीं डालना है। जब तक सूजी फूल रहा है तब तक हम लोग स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। तो चलिए गैस को करते हैं ऑन। हम कढ़ाई में 3 टेबल स्पून तेल डाल लिए हैं। तेल गर्म हो गया है। इसमें हम लोग 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम थोड़ा सा क्रश किया हुआ अजवाइन डालेंगे, इससे स्टफिंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1/2 छोटी चम्मच मेथी डालें। अजवाइन, मेथी, जीरा ब्राउन हो गया है। अब हम लोग इसमें हरा मिर्च डालेंगे और बारीक कटा हुआ लहसुन। मिर्च लहसुन हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम लोग एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि कच्चापन पेस्ट खत्म न हो जाए। प्याज अच्छे से कुक हो गया है। अब हम लोग इसमें हरा मटर ऐड करेंगे। मटर डालने के तुरंत बाद हम लोग इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इस सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मटर को कुक होने तक पकाना है। यह बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मटर भी अच्छे से पक गया है। अब हम लोग इसमें बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे। हम मीडियम साइज के 3 आलू लिए थे। इसे हम बॉयल करके मैश कर लिए थे। आप इसे आलू को बॉयल करके कद्दूकस भी करके डाल सकते हैं। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम लोग 5 मिनट तक कुक करेंगे। स्टफिंग में आलू की एक भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर गुठलियाँ होंगी तो हम लोग को इडली बनाते समय प्रॉब्लम आएगा, इसलिए इसे हम लोग अच्छे से एकदम मिक्स करके पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, स्टफिंग अच्छे से पक गया है। अब हम लोग इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब तक स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम लोग सूजी को देख लेते हैं। देखिए सूजी अच्छे से फूल गया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। इसमें हम लोग जिस कटोरी से सूजी डाले थे उसी कटोरी से थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। सूजी के बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम लोग इसमें 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे जिससे सूजी अच्छे से फूल जाए और थोड़ा सा फ्लफी भी हो जाए। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से एकदम मिक्स करना है। सूजी का बैटर रेडी हो गया है, उसको हम लोग साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इडली के सांचे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हमने इडली सांचे को अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी इडली आसानी से छूट जाए। हम लोग जो स्टफिंग बनाए थे उसे थोड़ा सा लेंगे, गोल शेप देंगे और इसे थोड़ा सा चिपटा कर देंगे। हमें थोड़ी सी स्टफिंग लेनी है। हमें इतनी स्टफिंग लेनी है कि ये सांचे से थोड़ा सा छोटा हो। स्टफिंग थोड़ा सा लेंगे, इसे गोल शेप देके इसे थोड़ा सा चिपटा कर देंगे।
हम लोग ऐसे ही सारा स्टफिंग बना लो। सारा स्टफिंग रेडी कर लिए हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सूजी का एक चम्मच बेटर लेंगे और इसमें डाल देंगे। हम सारे साँचे में एक एक चम्मच बेटर डालेंगे, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग को इसमें स्टफिंग भी डालना है। अब हम लोग इसमें स्टफिंग डाल देंगे, इसे हम लोग को हल्का सा ही दबाना है। सारा स्टफिंग डालने के बाद हम लोग इसे अच्छे से ढक देंगे बेटर से। ऐसे ही हम सारा इडली रेडी कर लेंगे। अब हम लोग इसे इडली मेकर में डाल देंगे। इडली मेकर में हम पहले से ही 2 गिलास पानी डाल दिए थे, पानी गर्म हो गया है। अब हम लोग इसमें इडली डालेंगे। अब हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे। देखिए लगभग 15 मिनट हो गया है, हम लोग इसे चेक करेंगे। देखिए लकड़ी में बेटर नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब हो गया है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे। आपको इसे बनाने में 20 मिनट भी लग सकता है, ये अलग अलग सूजी के बेटर पे डिपेंड करता है। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे और ठंडा हो जाएगा। देखिए हम लोग की सूजी का इडली ठंडा हो गया है। अब हम लोग इसे चाकू की हेल्प से निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब हम लोग इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक हम आप लोगों को काट के दिखा देते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सूजी का इडली बनके रेडी हो गया है। अब आप इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं और फैमिली में सर्व कर सकते हैं। सर्व करने से पहले इस पे हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। इडली के साथ खाई जाने वाली चटनी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। ऐसे ही नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।